हेलो माय फ्रेंड, नमस्ते और प्यार भरा सलाम। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ये स्ट्रक्चरल शेड ड्राइंग के बारे में। एक हमारे फ्रेंड हैं जो ये ड्राइंग भेजे हैं देखने के लिए, इसका डिटेल कैसे देखते हैं, इसका फैब्रिकेशन कैसे करते हैं और इसको इरेक्शन कैसे करते हैं, इसी के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं कि ये इस तरीका का ये जो है शेड है, ये जो है आपका फ्रंट साइड का दिखा रहा है व्यू, और ये जो आपका दिखा रहा है ये साइड व्यू हो गया। और इसमें ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉलम नंबर दिया गया है ए और बी। ए वाले साइड का ये जितना भी कॉलम रहेगा वो यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ ए लिखा गया है। तो इस साइड में जितना ये सब कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 कॉलम है, और सभी कॉलम का एक नंबर दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं C1 और C2 और C3 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 और C4 और C5। इसमें बीच में जो तीन कॉलम है C3 वाला, तीनों सेम रहेगा, और बाकी जो दोनों साइड का है इधर का और इधर का, C1 और C2 और C4 C5 ये थोड़ा अलग अलग है। इसलिए इसमें अलग है कि इसमें ब्रेसिंग वगैरह लग रहा है, देख सकते हैं, और इसमें ब्रेसिंग नहीं है, इसीलिए इसका अलग नंबर दिया गया है। तो फ्रेंड वैसे ही इस साइड का अगर आप देखेंगे कॉलम का जितना भी व्यू अगर देखना है, साइड व्यू यहाँ पे बी लिखा गया है, तो यहाँ भी देख सकते हैं यहाँ बी लिखा गया, तो ये सब टोटल साइड व्यू हो गया। और सेम वैसा ही यहाँ पे सब नंबर दिया गया है, वही नंबर का, एक ही नंबर का दो दो कॉलम जो है आपको बनाना है। देख सकते हैं आप C1 इधर है तो यहाँ पे भी C1 है। तो ये हो गया आपका साइड व्यू। और यहाँ टॉप में जो ये जो रेफ्टर जो लग रहा है यहाँ पे, इसका डिजाइन जो है आपको इस दूसरे ड्राइंग में मिल जाएगा। और यहाँ नीचे का जो ये फाउंडेशन है, इसका यहाँ पे डिजाइन इस ड्राइंग में दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ड्राइंग है ये फाउंडेशन का, यहाँ पे देखिए कंक्रीट टाइप का ये बना हुआ है, और इसमें इस तरीका से ये सब बोल्टिंग जो है सिस्टम आपको कंक्रीट में आपको लगाना है, और इसके ऊपर इस तरीका का जो है प्लेट वगैरह जो है आपको फिटिंग करना है कंक्रीट के ऊपर, जिसके ऊपर आकर के ये सब कॉलम जो है बोल्टिंग होगा। यहाँ से देख सकते हैं ये सब कंक्रीट का, आपको ये फाउंडेशन इस तरीका का सब टोटल बनाना है आपको। तो ये कंक्रीट का हो गया, ये तो कंक्रीट स्ट्रक्चर का फैब्रिकेटर से उससे कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हैं एक यहाँ पे व्यू दिया गया है और एक दो यहाँ भी व्यू दिया गया है। तो ये कहाँ का व्यू दे रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्रिड 1 और ग्रिड 7 और यहाँ पे लिखा है ग्रिड 3 और 4। यानी कि यहाँ पे जो देख रहे हैं जो कॉलम यहाँ पे जो लगा हुआ है, ये सब यहाँ पे 1 जो लिखा हुआ है तो ये 1 का दिखा रहा है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए 7 लिखा गया है तो ये 7 का यहाँ पे दिखा रहा है बैक साइड का, और यहाँ पे 3 और 4 जो लिखा हुआ है 3 और 4 का ये वाला व्यू दिखा रहा है, यहाँ मतलब बीच का पोजीशन का दिखा रहा है। इसी तरीका से ये व्यू देखा जाता है। इसमें जो कॉलम ये लग रहा है, अगर आप इस कॉलम से अगर आप फैब्रिकेशन स्टार्ट करते हैं, तो इस कॉलम का हम फैब्रिकेशन ड्राइंग देखेंगे कौन सा है। तो यहाँ पे जो नंबर दिया गया है ये सब C5 C4 इस ड्राइंग में हम जाएंगे। ये जो ड्राइंग देख रहे हैं ऊपर का, ये डिटेल ऑफ रेकर लिखा हुआ है, तो हम इसे रेक्टर भी आप इसे बोल सकते हैं, या रेकर भी बोल सकते हैं, या रेक्टर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका पहले आपको कॉलम का ड्राइंग दिखा दे रहा हूँ। मेन कॉलम जो है डिटेल ऑफ कॉलम C4, डिटेल ऑफ कॉलम C4 टू नोज बनाना है। और वैसे ही यहाँ पे नीचे आएंगे डिटेल ऑफ कॉलम C2, ये भी टू नोज बनाना है, यानी कि दो पीस बनाना है। और इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे डिटेल ऑफ कॉलम C6, ये भी दो पीस बनाना है। डिटेल ऑफ कॉलम C7, ये भी दो पीस बनाना है। तो इसको कैसे फैब्रिकेशन करना है, किस चीज़ का बन रहा है, ये कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ मटेरियल लिस्ट पर आपको ध्यान देना होगा कि क्या क्या चीज़ लग रहा है, इसे कैसे देखेंगे और इसका व्यू कैसे दिखा रहा है। इस कॉलम का अगर आप सबसे पहले ये मेन बीम अगर आप तैयार करेंगे, तो इसका देखेंगे कि ये कॉलम किस चीज़ का बन रहा है, डायरेक्ट बीम का है या प्लेट का है। तो इसको देखने के लिए हम इसका डिटेल देखेंगे और इसका नंबर देखेंगे कि कितने नंबर में ये मटेरियल है। यहाँ पे देखिए एक ISMB 550 और 8 नंबर यहाँ पे राउंडिंग करके एक लिखा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, ISMB 550 और राउंडिंग करके 8 लिखा हुआ है। तो ये 8 नंबर में हम देखेंगे। अगर यहाँ से आपको क्लियर नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ का जो व्यू है यहाँ पे देख सकते हैं एक एरो तीर का निशान जो है बना करके और यहाँ पे ए लिखा गया है, तो हम डिटेल ए में देखेंगे। यहाँ पे देखिए सेक्शन ए यहाँ पे लिख दिया गया है,
सेक्शन ए में अगर हम आएंगे तो यहाँ पे देखिए आई बीम का यहाँ पे एक डिजाइन बना हुआ है और इसमें ये राउंडिंग करके 8 लिखा गया है। तो यहाँ पे जो 8 लिखा गया इसी कॉलम का नंबर है और वही कॉलम का यहाँ पे 8 नंबर हो गया। और यहाँ पे एक नंबर 2 भी लिखा गया है तो वो भी देख लेंगे कि ये क्या चीज़ है, हो सकता वो यहाँ से भी पता चल जाएगा कि नंबर अब 2 किस चीज़ का दे रहा है। तो यहाँ पे जो देख सकते हैं कि दो टाइप का यहाँ पे कॉलम इसमें बन रहा है, C6 और C7। तो C7 में जो है थोड़ा अलग डायमेंशन है और C6 में अलग डायमेंशन है। तो यहाँ पे जो बीम का इसमें नंबर जो दिया गया है ISMB जो है उसका 2 नंबर रहेगा और ये C7 में जो कॉलम है उसका बीम का नंबर ISMB इसका 8 नंबर मटेरियल लिस्ट में हम यहाँ पे देखेंगे। इस बेस प्लेट का जो यहाँ पे व्यू देखने के लिए यहाँ पे A लिखा गया है एरो करके, जो यहाँ तीर का निशान, यहाँ भी A है और यहाँ भी है, यानी कि दोनों का डिटेल जो है एक ही सेक्शन में आपको दिखा रहा है। यहाँ पर ये दोनों कॉलम का एक ही सेक्शन में यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं A जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे दो टाइप का कॉलम इसीलिए यहाँ पे दिखा रहा है एक ही सेक्शन में। 8 जो है आपका C7 कॉलम का हो गया और 2 वाला जो कॉलम है वो आपका ये C6 कॉलम का हो गया। ये जो कॉलम है ये बीम का बनेगा, डायरेक्ट आपका रेडीमेड बीम आएगा। इसका देखिए यहाँ पे 2 नंबर में यहाँ पे लिखा गया ISMB 550 और इसका लेंथ जो रहेगा 9 मीटर 534 एमएम रहेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो क्वांटिटी जो लिखा गया है 2 रहना चाहिए, ऐसा ही सेम आपको 2 बनाना है। और आपका जो 8 वाला जो रहेगा जो मटेरियल लिस्ट नंबर यहाँ पे 8 में ISMB 550 9 मीटर 561 इसका डायमेंशन है और ये भी 2 पीस बनेगा, यानी कि दोनों दो दो पीस बनाना है जो 4 पीस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इस कॉलम का यहाँ पे नंबर दिया गया है डिटेल ऑफ कॉलम C7 टू नोज, यानी कि 2 पीस ऐसा ही बनाना है। तो फ्रेंड जितना डायमेंशन का ये बीम दे रहा है पहले उतना डायमेंशन का हम बीम ले लेंगे। और ये बीम में क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो होल दिया गया है जितने डायमेंशन पे यहाँ पे देख सकते हैं ये सब होल दिया है, पहले ये सब होल कर लेंगे ये डायमेंशन के हिसाब से ये सब। और होल का जो डायमेंशन है होल कितना बड़ा होना चाहिए वो अगर नहीं दिया हुआ है ड्राइंग में तो आप अपने इंजीनियर से जो ड्राइंग दिया है उससे बात कर लेंगे कि कितना एमएम का होल रहना चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डिग्री में यहाँ पर दिया गया है, तो इसको फैब्रिकेशन करने से पहले जो है इसका डिग्री जो है बीम का कटिंग कर लेंगे कि ये कितना डिग्री में आपको रखना है। यहाँ का जो कट बैक जो दिया गया है कि कैसे आपको कटिंग करना है, यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आपका टोटल जो बीम का लेंथ आप कटिंग कर लेंगे तो इसमें ये जो डिग्री आपको कैसे मार्किंग करना है, सबसे पहले एक डायमेंशन आप बैक में मार्किंग करेंगे 864 mm और फिर यहाँ से अप के तरफ मार्किंग करेंगे 813 mm, जो दोनों में मार्किंग में डिफरेंस आ जाएगा और वहाँ से यहाँ पर आप मैच कर देंगे और वहाँ पर उतना डिग्री में आप कटिंग कर लेंगे। सेम वैसा ही इसमें भी दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से एक डायमेंशन दिया गया है ऊपर की तरफ 837 mm और फिर यहाँ से एक डायमेंशन दिया गया है ऊपर की तरफ 786 mm। तो आपका ये जो है इसी तरीका से ये अप डाउन ये जब मार्किंग होगा तो आपको ये कॉर्नर जो है इस तरीका से मिल जाएगा। तो इसी तरीका से आप इस बीम में इसका डिग्री में आप मार्किंग करके और इसका डिग्री पहले कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद उसके बाद ये जो है आपका सबसे पहले आप फिटिंग करेंगे ये बेस प्लेट, नीचे का जो ये बेस प्लेट है ये आप देख रहे हैं ये कॉलम का यहाँ पे एक देखिए तीर का निशान बना करके और यहाँ पे F लिखा गया है, मतलब अगर हम इस साइड से अगर हम देखना चाहते हैं तो उसका व्यू ये यहाँ पे दिया गया है व्यू F, यहाँ पे देखिए F लिखा गया है और यहाँ भी ऊपर में एक F लिखा गया है, तो यही F जो है इस कॉलम का साइड व्यू यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे जो ये आइटम लग रहा है इसका आइटम नंबर 6 और 7 में दिया गया है, वहाँ पे देख सकते हैं कि किस चीज़ का बनाना है ऐसा डिजाइन। और इसका साइड व्यू यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है बेस प्लेट जो है यहाँ पे सब डायमेंशन दिया गया है बेस प्लेट का और यहाँ भी दिया गया है कि किस तरफ कितना डायमेंशन का लगाना है। अब इसका बेस प्लेट का टॉप व्यू अगर आप देखना चाहते हैं तो डिटेल ए में ही हम देखेंगे। सेम वैसा ही इस कॉलम का अगर आप साइड व्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए एरो तीर का निशान करके यहाँ पे बी लिखा गया और यहाँ पे व्यू बी साइड व्यू हो गया। तो यहाँ पे हम आएंगे ये ए वाले डिजाइन में, देख सकते हैं यहाँ पे ए डिजाइन में यहाँ पे इस तरीका का एक नीचे में सबसे पहले एक प्लेट आपको कटिंग करना है इसी साइज का जो रहेगा 850 इसका लंबाई रहेगा और इसका चौड़ाई जो यहाँ पे देखिए लिखा गया है 262.5 और 262.5 दोनों सब को प्लस करके और इस साइज का एक प्लेट लेंगे। तो इस प्लेट का जो नंबर है यहाँ पे देखिए लिखा गया है PL 525 x 28 mm थिकनेस रहेगा इसका
इसका हम डिटेल वन में देखेंगे, ये मटेरियल लिस्ट वन में हम देख लेंगे। यहाँ वन में देखेंगे प्लेट, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है 525 और 28 एम थिकनेस और 850 एम एक तरफ का लेंथ रहेगा। तो वही हो गया 850 और इधर का 525 रहेगा, इस तरीके का स्क्वायर प्लेट रहेगा और उसमें बीच में ये आई बीम लगेगा और उसके बाद एक ये प्लेट लग रहा है, उसका यहाँ पे नंबर दिया गया है दोनों साइड। उसके बाद फिर ये स्टिफनर लग रहा है, तो ये जो प्लेट है वो भी स्टिफनर टाइप का ही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इस डिज़ाइन का वो रहेगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये साइड में जो ये प्लेट आपको दिख रहा है ये इस डिज़ाइन का आपको कटिंग करके लगाना है। 400 लंबा रहेगा और उसमें इस तरीका का क्रॉस कटिंग करके स्टिफनर टाइप का आपको बना के लगाना है। और सामने ये जो बीम का जो फ्लैंज के ऊपर भी इस तरीका का स्टिफनर आपको लगाना है। ये प्लेट लगाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका टॉप व्यू अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये प्लेट लगाने के बाद फिर दो स्टिफनर इस तरीका से और उसके बाहर बाहर लगेगा। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके बताइए और लाइक करिए और हमारे वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर करिए और हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरीका का नीचे लाल बटन होगा उसे आप दबा लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे।